डॉक्टर मंदाकिनी शुक्ला जो आपका हंसा फाउंडेशन है, ये आज हरियाणा के गांव में आके दांतों के ये लोगों को जागरूक कर रहा है, और कितने टाइम से लोग आप लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं? हसना फाउंडेशन, जिसका पूरा नाम है हेल्दी अफोर्डेबल सॉल्यूशंस नेशनली फॉर आम आदमी, ये संस्था पिछले 10 सालों से गांव-गांव जाकर एक मौखिक स्वास्थ्य आंदोलन चला रही है। हम सब अक्सर यहाँ पर देखते हैं कि मौखिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि उनकी मौखिक स्वास्थ्य के बारे में, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका हल ढूंढना, तो ये हमारा जो है एक उद्देश्य है हसना फाउंडेशन में। 2012 में ये संस्था शुरू करी गई थी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुमित दुबे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले के जो गाँव हैं वहाँ से इसकी शुरुआत करी थी। उसके साथ ही साथ धीरे धीरे हम लोग सब जुड़ते गए, आज 10 साल हो गए हैं, और इस वक्त हसना फाउंडेशन जो है भारत के अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है, यहाँ तक कि हम लोग कश्मीर के गांव में भी जा जाकर काम करके आ चुके हैं। आज हमारे हसना फाउंडेशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हम लोग यहाँ जो राजकीय उच्च विद्यालय है ढाकोला का फरीदाबाद में, हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के साथ मिलकर एक दांतों का कैंप लगाया है, और साथ में हम मेडिकल किट भी बांट रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए हमारे को लोगों के बीच में जागरूकता बनाए रखनी है। किट बांट रहे हैं जिसके अंदर माउथ मास्क और हाथ धोने का साबुन और सैनिटाइज़र, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ मिलाकर एक किट बनाकर दे रहे हैं, ताकि यहाँ सभी लोगों को लाभ मिल सके और कोरोना के प्रति जो जागरूकता है लोगों में वो बनी रहे, हम ढील ना दें। तो मैम, जिस तरह से हम देखें कोरोना के बाद लोगों में काफ़ी डर है, तो आप लोग गांव में आते हैं, गांव के लोग आपके साथ किस तरह से व्यवहार करते, कॉम्प्रोमाइज कॉर्पोरेटिव होता है कि थोड़ा सा वैसे डरने वाला व्यवहार रहता है? क्योंकि गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा डर, शहरों में भी डरे हुए हैं, हालाँकि गाँव में भी डरे हुए हैं लोग, तो आप शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में आके कार्य कर रही हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है आपको? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मैंने पहले भी देखा है और आज भी मैं यही कहूँगी कोरोना के बाद भी, कि लोग बहुत ही मिलनसार हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे हमेशा हमको बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, अवभगत करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचे, और हम भी अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात सुने और उसको समझने की कोशिश करें। और यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने गांव वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए और भी बहुत सारे कैंप्स चला रखे हैं, तो सभी के बारे में, जैसे कि कैंसर मुक्ति हो गया, उसके बारे में हम लोगों के बारे को जागरूक करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कार पे आप देखोगे घर जाके तो सफेद सफेद है, वो कुछ के लक्षण है शुरुआत, अगर उसको बीड़ी को बंद करके अभी रोक देंगे यहाँ पे एक दो दवा। फाउंडेशन का शुरुआत कब किया था और क्या सोच की आपने हसना फाउंडेशन का? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दुबे है, मैं हसना फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हसना फाउंडेशन की शुरुआत 21 मई 2012 को हुई थी, और हम लोगों का जो टैग है वो है अन्न अक्षर औषधि है सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब हम लोग अगर अन्न प्रोवाइड कराते हैं लोगों को तो उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उन लोगों की एजुकेशन होगी तो उन लोगों को आगे जाके अच्छी जॉब मिलेगी, अगर औषधि मतलब दवा अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी सेहत अच्छी होगी और एक अच्छे बढ़िया भारत की निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में, एक कस्बा है गुरसाहेगंज, वहाँ से की थी। उसके बाद हम लोग इसको दिल्ली, कश्मीर, तेलंगाना, अहमदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, उत्तराखंड, बहुत बहुत सारे राज्यों में किया है। बहुत सारे डेंटिस्ट हमारे साथ इसमें जुड़े हैं और कुछ संस्थाएं भी, तो हम लोग इसको गांव-गांव तक जाते हैं, वहां पर ओरल कैंसर के केसेस, गुटका के, बीड़ी के, कैंसर के, उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं और बड़े अस्पताल में रेफ़र करते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स वहां पर प्राथमिक
सुरक्षा जांच भी करती है उनका, और हम लोग फ्री डेंटल के ट्रीटमेंट कैंप्स भी लगाते हैं, जैसे नसों का इलाज करना, जबड़ा बनाना, दांतों की सफाई कराना। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी डेंटल कॉलेज के साथ टाई अप करते हैं और उनकी पोर्टेबल डेंटल के सेटअप के साथ काम करते हैं। आगे हमारा यह है कि हमारा खुद का पोर्टेबल सेटअप हो और हम लोगों की पूरी टीम जो पूरे देश भर में है, सब जगह के डेंटिस्ट इन्वॉल्व हो, एक अच्छे फाइनेंसिस के साथ में, एक अच्छे योगदान के साथ में, सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको विकसित समाज बनाने के लिए हम सब लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। दांतों का मेन इलाज है, वहाँ पे आप करवा लो। इसी तरह गांव गांव जा जाकर और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का निवारण करते हैं, खासकर की मुंह की स्वास्थ्य का, मौखिक स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी होता है कैंप लगाते हैं, दवा देते हैं, रुपट में देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके और आपकी दांतों की समस्याओं का हल ढूंढ सके, ठीक है। आज हम यहाँ पर जाँच कर रहे हैं, कुछ दवा वगैरह देंगे, बाकी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर CHC करौली में बैठे हैं, उपलब्ध हैं करौली, ठीक है। CHC करौली में हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठी हुई है और उनसे आप जाकर मिल सकते हैं। डाकोला गांव में कैंप लगा है आज हसना फाउंडेशन की तरफ से, उनको सूचित कर दिया गया है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। वहां पर दांतों का पूरा अच्छा अस्पताल बना हुआ है और आप कम से कम या मुफ्त में अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। तो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है। हसना फाउंडेशन आप बोल दीजिएगा कि हम हसना फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, तो वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा, ठीक है।